भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत पटल बाबू रोड स्थित डॉक्टर आर बाखरा बाली गली में दो अज्ञात अपराधियों ने 30 किलो चांदी के आभूषण के लूट की घटना को अंजाम दिया। लूटे गए आभूषण की कीमत 20 लाख के करीब की बताई जा रही है। वहीं इस आभूषण लूट कांड की घटना की जानकारी मिलते ही भागलपुर पुलिस एक्शन में आ गई और पूरे शहर में नाकाबंदी कर अलग अलग मार्गों में वाहनों की जाँच शुरू कर दी गई। इसको लेकर भागलपुर के सिटी SP स्वर्ण प्रभात और सिटी ASP शुभम आर्य दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोनापट्टी से स्वर्ण व्यवसायी रतनलाल वर्मा कोलकाता से भागलपुर बस स्टैंड पहुंचे, जहां उनका पुत्र पवन वर्मा स्कूटी लेकर बस स्टैंड पहुंचे और कोलकाता से लाए 30 किलो चांदी की थैली लेकर अपने घर सोनापट्टी जा रहा था। तभी अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इधर लूट की वारदात को लेकर स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र पवन वर्मा ने कहा कि वह सुबह 5 से 6 बजे के बीच कोलकाता से भागलपुर बस स्टैंड पहुंचे, जिसके बाद वह चांदी का थैला लेकर वहां से घर के लिए निकल गया। लेकिन वह जैसे ही सामान लेकर स्कूटी से घर की ओर आगे बढ़ा, तभी अपाची मोटरसाइकिल से आ रहे दो अपराधियों ने उसकी स्कूटी को ओवरटेक कर उसे रोक दिया और बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करते हुए हथियार के बल पर थैली समेत 30 किलो चांदी लूट कर फरार हो गए। साथ ही इस घटना के पीछे पहले से किसी की साजिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर सिटी SP शिवम आर्य ने कहा कि पूरे शहर में नाकाबंदी कर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और CCTV फुटेज को खंगाल कर जल्द ही लूटे गए आभूषण और सामग्री के साथ अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5:30 से 6 के बीच का समय था। मेरे बाबूजी गए थे कलकत्ता हमारे दुकान के काम से, वो सामान लेके आए, मैंने उनसे लिया स्कूटी पे और मैं लेके आ ही रहा था, चूंकि उनका मोबाइल बंद हो गया था। स्कूटी पर ही थे सर? नहीं, पापा स्कूटी पे नहीं थे। पापा बोले मैं आता हूँ, मेरे को एक काम है, तो मैं खुद अकेले ही आ रहा था। तो मैं जैसे इधर से निकला हूँ, किस चीज़ में था सामान? थैले में। हाँ जी, तो जैसे मैं इधर से आया हूँ, यहाँ मुझे ओवरटेक किया गया है अपाची से। दो लोगों ने ओवरटेक किया, उन्होंने मेरे साथ वारदात की, हथियार दिखाया उन्होंने, उनके पास दो गन थी। उन लोग ऐसा लग रहा था कि वही लोग, मतलब उनको जानकारी है क्या क्रॉस किया है? हाँ, ऐसा लग रहा था बिल्कुल। कितना चांदी था? 30 किलो। 30 किलो। अभी सूचना है कि 30 किलो सोना चांदी लेके ये एक व्यापारी हैं, इनकी चांदी की दुकान है सोनापट्टी में। ये कल रात कोलकाता से बस से आ रहे थे और सुबह यहाँ पे पहुँचे, तो जब यहाँ पे पहुँचे इसके बाद में इन्होंने अपने बेटे को जो चांदी का जो थैला था वो हैंड ओवर किया। और तभी जब इनके बेटे अब स्कूटी से आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से आके कुछ अपराधियों ने इनसे लूट की घटना को कारित किया है। इस पर अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। कितने अपराधी? अभी जांच जारी है, जितने भी होगा उन सब का हम शिनाख्त कर रहे हैं, कितने लोग थे, तो पूरा जब क्लियर हो जाएगा तब हम पुष्टि कर देंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर NDA की ओर से प्रत्याशी बनाई गई देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को दिल्ली में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री एवं NDA के नेता मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को NDA की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि NDA की एकजुटता एकजुट है और 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बाद 21 मई को परिणाम के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रम पैदा करने के लिए नकारात्मक चर्चा की जाती है, लेकिन NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में NDA के अलावा कई दल के सांसद और विधायक शामिल होकर अपना समर्थन देंगे। साथ ही डिप्टी CM ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ही विजयी होकर देश की राष्ट्रपति बनेंगी। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से हम सबों का आग्रह है कि राष्ट्रपति पद सर्वमान्य पद होता है, देश का सर्वोच्च पद है, इसलिए सभी राजनीतिक दल सहयोग करें और सर्वसम्मति से जो हमारी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार बनी है और उसे उनका उन्हें समर्थन दें, निर्विरोध उन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए, क्योंकि समाज के हाशिए पर खड़ा ऐसा जनजातीय वर्ग जो
जो आज तक अग्रिम पंक्ति में बेहतर ढंग से नहीं आ पाया है, उस समाज से अगर कोई भारत का राष्ट्रपति बनता है, इससे अच्छी बात देश के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। अररिया में हाई टेंशन करंट वाली टावर पर चढ़कर एक युवक ने अपने परिवार वालों से शादी कराने की मांग को लेकर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल ये हाई वोल्टेज ड्रामा नरपतगंज प्रखंड के देवीगंज गांव में हुआ, जहां एक 35 वर्षीय युवक 1,33,000 हाई टेंशन वाले टावर पर चढ़ गया और इस दौरान युवक ने अपने परिवार वाले से अपनी शादी नहीं कराने पर नाराजगी जताते हुए टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की बात करते हुए शोर मचाने लगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि लाइन चालू होने के बावजूद युवक सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को मिली, वैसे ही लाइन को डिस्कनेक्ट किया गया। इधर हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से युवक को समझा बुझाकर काफी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने चली गई। वहीं युवक की पहचान नरपतगंज प्रखंड के खैरा गाड़िया वार्ड नंबर 16 देवीगंज निवासी रामचंद्र बहरदार के 35 वर्ष से पुत्र विकेश वहरदार के रूप में हुई है। हालांकि युवक के पिता ने बताया कि विकेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह शादी को लेकर इस तरह से कई बार बिजली के खंभे पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास पहले से भी कर चुका है। वहीं पुलिस ने बांड भरवा कर युवक को परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया। वो देवीगंज थाना नरपतगंज का विवेक बहरदार है, पिता रामचंद्र बहरदार। वर्ष 18 में भी हुआ 1,33,000 के पोल पर चढ़ गया था। कल की घटना है, कल पुनः हुआ है, 1,33,000 के ऊपर चढ़ गया था, जिसके कारण उसका विद्युत को प्रवाह को रोका गया और पुनः हुआ समझाने बुझाने पर वहाँ से ऊपर से उतरा। गांव स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि वह विक्षिप्त है मानसिक रूप से और वह 35 वर्ष हो गया है और उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके पिता के द्वारा उसकी शादी नहीं की जा रही है। इसी गुस्से में वह पोल पर चढ़ गया था और उसका मांग था कि हमारा पिताजी हमको शादी करा दे। NH-80 की जर्जर हालत के कारण इस सड़क पर आवागमन करने वाले वाहन चालक और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालत यह है कि कई बार इस सड़क के ऊंचे नीचे गड्ढों से गुजरने वालों की गाड़ी पलटने के डर से रूह कांप जाती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर बने गड्ढे में कई बार बाइक सवार गिर कर घायल हो चुके हैं, जबकि NH-80 की खराब स्थिति को देखते हुए घोगा ईट भट्टा एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने NH-80 सड़क पर भट्टे से निकले ईट के टुकड़े और छाई को सड़क पर बने गड्ढे में डालकर फिलहाल चलने लायक तो बना दिया, लेकिन यह कोई अस्थाई समाधान नहीं है। इधर सड़क के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है, जबकि बारिश के दिनों में कीचड़ और अन्य दिनों में धूल कण से लोगों की जिंदगी बदतर हो गई है। साथ ही लोगों ने कहा कि जिस सड़क का निर्माण जिले के सांसद विधायक और जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, उसके लिए यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पहल करनी पड़ती है। पहल के अनुसार हम लोग ईट भट्टा संघ को इस रोड में रोड़ा और पत्थर दिया जा रहा है, तत्काल इसका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और चालू के पोजीशन में रोड। ये कहां से कहां तक होगा सर? सिर्फ इसी गांव में या फिर गोगा से गोल सड़क चौक से भर अमापुर तक गोल जहां तक रोड की स्थिति खराब है, वही वैकल्पिक व्यवस्था की सुधार जाए। ऐसे अभी मोटरसाइकिल वगैरह आता जाता है तो लोग उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, तो वो अगर भर दिया जाता है कुछ राहत रहेगा। उसी काम के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, आज सुबह से उसी में लगे हुए हम लोग। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए।
भागलपुर के राधा रानी सिन्हा रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया जोनल कार्यालय सभागार में बैंक ऑफ इंडिया बिहार के महाप्रबंधक गिरीश कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जीएम ने भागलपुर जोन के आंचलिक प्रबंधक राजेश कुमार की मौजूदगी में जोन के विभिन्न जिले से आए प्रबंधकों को संबोधित करते हुए लोगों की व्यावसायिक जरूरत को ध्यान में रखकर ऋण और ग्राहक सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। इस दौरान जीएम ने जहाँ बेहतर व्यवसाय करने और ग्राहक सुविधा के प्रति सजग शाखा प्रबंधकों की सराहना करते हुए आगे भी प्रबंधन एवं ग्राहकों की उम्मीद पर खरा उतरने की बात कही। वहीं कार्य के प्रति लापरवाह और ग्राहक सेवा के प्रति उदासीन प्रबंधकों की क्लास लगाते हुए सख्त लहजे में व्यवसाय और ग्राहक सुविधा को बेहतर करने का निर्देश दिया। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गिरीश कुमार सिंह ने MSME को प्राथमिकता में रखकर देश के विकास के लिए व्यवसायियों और ग्राहकों को नियमानुसार ऋण उपलब्ध करने का निर्देश दिया। वहीं इसके बाद महाप्रबंधक गिरीश कुमार सिंह और आंचलिक प्रबंधक राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्राहकों को बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। जीएम ने कहा कि कोविड महामारी के बाद देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा, जिसको देखते हुए बैंक की ओर से व्यवसाय और लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए MSME समेत कई तरह की ऋण योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 20 लाख तक के ऋण का लाभ लोगों को मिल सकता है। वहीं से पूर्व बैठक में उप आंचलिक प्रबंधक विनीता जोनल कार्यालय के प्रणव श्री अहमद हसन के अलावा कई अधिकारी और विभिन्न शाखाओं से आए ब्रांच मैनेजर मौजूद रहे। नए निर्देश भी ये जारी किए गए हैं कि जोनल लेवल पे जो सैंक्शन होगा स्वीकृति किए जाएंगे, NBG लेवल पे स्वीकृति किए जाएंगे, परंतु ब्रांच लेवल पे स्वीकृति की मॉनिटरिंग जो है उसको बढ़ाई जाए, ठीक है ना। हम तो बड़े लोन सैंक्शन करते हैं ना, तो एक बड़ा लोन सैंक्शन करने से बैंक का बिजनेस बढ़ जाएगा, परंतु बहुत ऐसे कस्टमर हैं, हर जगह पे सिर्फ बड़े ही कस्टमर नहीं है, छोटे छोटे कस्टमर भी हैं, तो उनका देख रेख हो सके, उनका भागीदारी हो सके, उनकी सुनी जा सके, इसलिए ब्रांच लेवल सैंक्शन बढ़ाने की बात हम करें और ब्रांच लेवल सैंक्शन और डिसबर्समेंट बढ़ाएं। भागलपुर के सजौर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सजौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर से पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जबकि पुलिस ने मौके से एक ट्रैक्टर मालिक नीतीश कुमार को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इसको लेकर सजौर थाना प्रभारी महाश्वेता सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई है, जिसे न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। इधर कजरैली थाना के एक अन्य मामले में देर रात कजरैली पुलिस ने छापेमारी कर सौखर गांव के पास से ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर बालू माफिया नदी से बालू का अवैध खनन कर रहे थे, तभी कजरैली थाना की टीम मौके पर पहुंची और 4 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जबकि बालू माफिया मौके से फरार होने में सफल हो गए। वहीं इसको लेकर कजरैली थाना प्रभारी नवनीश कुमार ने बताया कि बालू माफिया के साथ ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मालदा डिवीजन के पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर संजीवनी गंगा के सामानों की बिक्री को लेकर बनाए गए स्टॉल का उद्घाटन स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार ने किया। इस दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष रणजीत साह, पर्यावरण प्रेमी अमित कटारू का मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सुल्तान और अमित कटारू का समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं स्टॉल पर भागलपुरी चादर, खिलौने समेत कई प्रकार के सामान उपलब्ध थे। इसको लेकर स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि पीरपैंती रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 15 दिनों के लिए लगाए गए स्टॉल पर यात्री अपने पसंद की सामग्री खरीद सकते हैं। पीरपैंती क्षेत्र के लोकल एरिया में जिस चीज की प्रसिद्धि है उसे राष्ट्रीय लेवल पे पहचान नहीं मिल रही थी, इसी क्रम में यहाँ के चीज़ों को पहचान दिलाने के लिए भारतीय रेल द्वारा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में यहाँ के चीज़ों के लिए जो यहाँ पे प्रसिद्ध है उसका स्टॉल लगा। शहर हो या गांव, हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भागलपुर शहर के कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन निगम प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक पानी की समस्या को दूर करने में पूरी तरह विफल है। भागलपुर नगर निगम वार्ड 4 मदनी नगर के पास बोरिंग नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब लोगों ने इसकी सूचना युवा समाज सेवक विजय कुमार यादव को दी तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपने निजी कोष से बोरिंग का काम शुरू करवाया,
जिसका शिलान्यास आज युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा विधिवत किया गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मदनी नगर में जितनी आबादी है उस हिसाब से यहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है और जिनके घर या आसपास में बोरिंग नहीं है उन्हें पानी की खोज समस्या हो रही है। इसलिए हम लोगों ने मिलकर समाज सेवी विजय कुमार यादव से आग्रह किया कि वे यहां पर भी एक बोरिंग दे जिससे इस इलाके के लोगों को भी पानी की उपलब्धता आसानी से हो सके और उन्हें पानी लाने के लिए दूर ना जाना पड़े। बोरिंग का काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विजय कुमार यादव का आभार जताया। समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, जिस कारण मैंने लोगों की जरूरत को देखते हुए कई स्थानों पर बोरिंग करवाकर घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। अब इलाके के लोग पानी के लिए परेशान नहीं होंगे और ना ही महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर जाना होगा। इस अवसर पर मोहम्मद खबीर, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद सिकंदर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद चांद समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। वार्ड नंबर 4 में आदरणीय श्री विजय यादव के माध्यम से इन वार्ड नंबर 4 गली नंबर 4 मधनी नगर में जिस तरह कार्य को निजी कोष से इन्होंने जो पेयजल दिया है एक बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी आए हैं बस यूं ही आश्वासन देकर गए हैं भरोसा दे, लेकिन जनता को आंखों के आंसू पोंछने वाला नहीं। माननीय हमारे जो मेयर साहब हैं, जो प्रत्याशी हैं श्री विजय यादव जी, इन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने जेब से अपने कोष से रकम को देकर इन्होंने कहा जानमाल सब हम विस्तार से लगाएंगे, जनता को प्यासा नहीं छोड़ेंगे। ये नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 मेदनी नगर है और गली नंबर 4 है और यहाँ पे करीब कई सालों से पानी की बहुत समस्या थी। पेयजल जो सप्लाई वाला आता है वो भी यहाँ तक पहुँचता नहीं सही से, लोग परेशान थे। यहाँ की महिलाएं बच्चे रोड पर से पानी भरता था और मुझे यहाँ से सूचना मिला था कि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। मैं यहाँ पे आया तो रियल में देखा कि बहुत पानी की यहाँ समस्या है और उसको देखते हुए एक छोटा सा यहाँ पे एक प्याऊ का जो है निर्माण आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और लोगों को इसमें सुविधा मिल, लोग में जो है थोड़ा अच्छा जो है सब खुशी है कि लोग यहाँ पे एक प्याऊ जो है बन रहे हैं।